हेलो गाइस, वेलकम बैक इन अनदर क्रेजी वीडियो फॉर क्रेजी गेमर विकी एंड मैं हूं आपका फ्रेंड क्रेजी विकी। तो जैसा आज आपने थंबनेल पे देख लिया, आज हम बात करने वाले का जिस गोल गोल से रोबो पेट के बारे में, जो का दिखने में बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है। तो मतलब कि गाइस, ये वीडियो होने वाला हमारा टोटली इस पेट के बारे में, जो गाइस अभी न्यू पेट आया है। तो गाइस आपको पता होना चाहिए ये पेट हमारे लिए बेस्ट है या नहीं है, या फिर ये गरीना वालों ने बेकार में पेट बना दिया है। तो गाइस इसी वजह से मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, इसलिए गाइस इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, आपको पता चल जाएगा कि पेट में ये हमारा बेस्ट पेट है या फिर बेकार पेट है, ठीक है गाइस। तो गाइस इस वीडियो में मैं आपको क्या क्या चीज़ बताऊँगा, मैं आपको स्टार्टिंग में बता देता हूँ, ताकि गाइस आप इस वीडियो को डिसाइड करोगे मुझे लास्ट तक देखना है कि नहीं देखना, ठीक है गाइस। तो गाइस सबसे पहले गाइस मैं आपको इस पेट का स्किल बताऊँगा, उसके बाद मैं गाइस आपको ग्लूवल टेस्ट करके बताऊँगा इस पेट का, मतलब कि गाइस मैं आपको ग्लूवल लगाऊंगा इस पेट को लेने के बाद। उसके बाद गाइस मैं तीनों गन, शॉर्ट गन, एयर गन और एसएमजी गन, तीनों गन से उस ग्लू वॉल को फोड़ के दिखाऊंगा। उसके बाद मैं गाइस इस पैट को नहीं लूंगा, उसके बाद मैं तीनों गन से फोड़ के दिखाऊंगा ग्लू वॉल को। तो गाइस मैं ये जो टेस्ट करूंगा गाइस ग्लू वॉल टेस्ट, ये गाइस मैं दोनों रेंज, शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज आपको दोनों रेंज में करके बताऊंगा, जिससे गाइस आप खुद डिसाइड करना कि ये पैट मेरे लिए बेस्ट है या नहीं है, ठीक है गाइस। तो मतलब कि ये एक्सपेरिमेंट करने में गाइस बहुत ज़्यादा मज़ा आया, गाइस बहुत ज़्यादा टाइम भी वेस्ट हुआ, जिसलिए गाइस इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, आपको पता चल जाएगा ये पैट बेस्ट है या नहीं है, ठीक है। इसलिए गाइस बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस रोबो पेट का ग्लू वॉल टेस्ट कराने से पहले हमें रोबो पेट के स्किल के बारे में पता होना चाहिए, ताकि गाइस जब हम रोबो पेट का स्किल टेस्ट या फिर ग्लू वॉल टेस्ट करें तब हमें पता रहे कि हाँ मेरा रोबो पेट इतने लेवल का है, एंड गाइस जिसका स्किल इतना है तो मेरे गेम प्ले में इतना इंप्रूवमेंट होना चाहिए, ठीक है गाइस। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको रोबो पेट का जो स्किल के बारे में बता देता हूँ। तो गाइस हमारे रोबो पेट का स्किल क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है एड जस्ट सील टू द ग्लू वॉल प्रोवाइडिंग एडिशनल 100 HP, ठीक है गाइस। तो गाइस मेरा 100 HP दे रहा है, क्योंकि गाइस मेरा जो पेट है गाइस वो मैक्स लेवल तक है, मतलब मेरा पेट गाइस लेवल 7 तक पहुंच चुका है, इसी वजह से गाइस मेरा जो स्किल है गाइस वो लेवल 3 का पहुंच चुका है, ठीक है। इसका मतलब जो भी मैं अभी गेम प्ले करूंगा गाइस, मतलब कि ग्लोबल टेस्ट वगैरह जो भी करूंगा गाइस, वो भी मैक्स लेवल के पेट का ही होगा, मतलब मैक्स लेवल के रोबो पेट का होगा। तो चलो गाइस जब हम अपना ग्लू वॉल टेस्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं, जिसमें गाइस हम SMG एमो, ARM और शॉटगन एमो से गाइस ग्लू वॉल फोड़ने का कोशिश करेंगे कि कितना गोली में हमारा ग्लू वॉल फटता है पैट को लेने के बाद, एंड गाइस फिर हम पैट को नहीं लेंगे, उसके बाद फिर हम ग्लू वॉल को फोड़ेंगे, फिर हम देखेंगे कि कितना हमारा एमो लगता है उस ग्लू वॉल को फोड़ने के लिए। तो चलो गाइस जब हम बढ़ते हैं अपना ग्लू वॉल टेस्ट की तरफ। तो गाइस हम शॉर्ट रेंज में ग्लू वॉल टेस्ट कराने के लिए आ चुके हैं ऑब्जर्वेटरी, जहाँ पे गाइस हम एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे ग्लू वॉल लगाएंगे, उसके बाद गाइस हम उस ग्लू वॉल को फोड़ने का ट्राई करेंगे अपना MP40 शॉटगन एंड स्कार से, ठीक है गाइस। तो इसके लिए गाइस मैं अपना ग्लू वॉल लगा देता हूँ इस पिलर के सामने, ताकि गाइस मेरी डिस्टेंस मेंटेन रहे। तो गाइस मैंने यहाँ पे ग्लू वॉल लगा दिया, एंड मैंने अपने गन से सारा अटैचमेंट फेंक दिया, एंड गाइस मैं यहाँ पे अब फायरिंग करूँगा, फिर देखता हूँ कितना गोली में फटता है ग्लू वॉल। तो गाइस फिर से गलती से अटैचमेंट टूट गया, तो गाइस मैंने अटैचमेंट फेंक दिया। तो गाइस अब काउंट करो गोली, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, ठीक है। मतलब कि 31 एमओ लगा हमारा ये ग्लू वॉल को फोड़ने के लिए जब हमारे पास पैट था। तो गाइस फिर से आ चुके हैं हम अपना ऑब्जर्वेटरी, बट गाइस मैं इस बार अपना पैट रोबो पैट को नहीं लेकर आया हूँ, इस बार मैं पैंडा को लेकर आया हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं मेरा पैंडा यहाँ पे खड़ा हो रखा है। तो गाइस मैं ठीक उसी तरीके से ग्लू वॉल लगाऊंगा जैसे मैंने स्टार्टिंग में ग्लू वॉल लगाया था। तो मैंने फिर वहीं पे पिलर की तरफ से ग्लू वॉल लगा दिया, एंड गाइस मैं वहाँ पे जाऊँगा गाड़ी की तरफ, एंड वहाँ से मैं फायरिंग करूँगा। तो गाइस मैंने अपना सारा अटैचमेंट फेंक दिया है, ठीक है। तो गाइस मैं यहाँ पे फायरिंग करता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, ठीक है। तो 27 एमओ में हमारे जो ग्लू वॉल फट चुका है जब हमारे पास पैट नहीं था, ठीक है। तो गाइस जब हम बढ़ते हैं अपने शॉटगन एक्सपेरिमेंट की तरफ,
तो गाइस जब मैं शॉटगन से फोड़ूंगा तो गाइस मैं काउंट नहीं करूंगा, क्योंकि गाइस हम मैगजीन से बता सकते हैं कि हमने कितना गोली यूज़ किया गोली वाल फोड़ने के लिए। ठीक है, मैं शॉटगन से भी यही ट्रिक आजमाऊंगा। एंड गाइस जब मैं स्कार से फोड़ूंगा तभी भी गाइस मैं काउंट नहीं करूंगा, तब मैं सिर्फ मैगजीन देखूंगा कितना मैगजीन लगा गोली वाल को फोड़ने के लिए। ठीक है, तो गाइस काउंट करने में दिक्कत होता है क्योंकि एक दो गोली एक साथ चले जाता है। तो गाइस मैं फिर से वहीं पर आ गया ऑब्जर्वेटरी, एंड गाइस वहीं पर पिलर के सामने गाइस मैंने फिर से गोली लगा दिया, मतलब ग्लू वॉल लगा दिया। एंड गाइस अब मेरे पास गाइस शॉटगन का मिटल एंड वाला स्किन है जो गाइस एक्यूरेसी इसका डबल है, तो गाइस ग्लू वॉल जल्दी फट जाना चाहिए। तो गाइस मैं यहाँ से अपना अटैचमेंट वगैरह सब हटा देता हूँ शॉटगन से। तो चलो गाइस जब हम अपना एक्सपेरिमेंट को चालू करते हैं, तो गाइस आप काउंट करो, मैं यहाँ पर काउंट नहीं कर रहा क्योंकि गाइस यार ग्लू वॉल यार हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा कितना मैगजीन वेस्ट हो रहा है। तो गाइस एक पूरा मतलब 5 गोली खा गया है, एंड उसके बाद गाइस देखते कितना गोली लगता है। और तो गाइस उसके बाद और लगा 3 गोली, मतलब 5 + 3 गाइस मतलब 8 गोली लगा हमारा शॉटगन की एमर जब हम ग्लू वॉल को फोड़ते हैं पैड को लेके। ठीक है, तो गाइस हम फिर से ऑब्जर्वेटरी आ चुके हैं। एंड गाइस फिर से मैंने गाइस वहीं पे अपना ग्लू वॉल लगा दिया जो पर्टिकुलर डिस्टेंस पे मैं बार बार लगा रहा हूँ। एंड गाइस इस बार मेरे पास अपना पैड नहीं है क्योंकि आप सामने से देख सकते हो, क्योंकि ग्लू वॉल के सामने हमारा वो बना नहीं आया सील टाइप का। तो गाइस मैंने पे 5 गोली चला दी शॉटगन की, एंड गाइस 6वीं गोली में फट गई, मतलब कि गाइस 6 गोली लगी हमारा ग्लू वॉल को फोड़ने के लिए जब हमारे पास क्या था गाइस पैड नहीं था। ठीक है गाइस अब हम बढ़ते हैं इस कार की तरफ। तो चलो गाइस हम इस कार लेके आ चुके हैं ऑब्जर्वेटरी, एंड गाइस फिर से गाइस हम वहाँ पे ग्लू वॉल लगाएंगे जिस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे हम ग्लू वॉल लगाते आ रहे हैं। एंड गाइस सारा अटैचमेंट मैंने हटा दिया है इस कार से। एंड गाइस ये हमारा शॉर्ट रेंज से इस कार का है गाइस, इसके बाद हम लॉन्ग रेंज में भी करेंगे इस कार के साथ। ठीक है गाइस, तो गाइस अभी मेरे पास अपना क्यूबिड इस कार है जिससे गाइस मैं अपना ग्लू वॉल फोड़ूंगा। तो गाइस मैं काउंट नहीं कर रहा क्योंकि गाइस हम मैगजीन देख के बता सकते हैं कितना गोली लगा। तो गाइस 30 मैगजीन था हमारे इस कार में, और 22 होगी, 21, 20, 19 हो गए। ठीक है गाइस हम काउंट कर सकते हैं ऐसे इजीली। तो गाइस ये जो मैं यहाँ पे अपना ग्लू वॉल फोड़ रहा हूँ जिसका सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट पार्ट गाइस हमारा कंक्लूजन में आएगा, जहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि ये जो हमारा पैटर्न रियली में वर्थफुल है या नहीं है। ठीक है, तो कंक्लूजन को एंड तक देखने का वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा। तो गाइस यहाँ पर देखो 3 एमओ बची है, मतलब 3 एमओ बची और हमारा ग्लू वॉल गाइस फट चुका है। मतलब कि गाइस यहाँ पे देख सकते हो हमारा 30 था, मतलब 27 एमओ में हमारा जो ग्लू वॉल गाइस फट चुका है जब हमारे पास गाइस क्या था पैड था। ठीक है गाइस अब गाइस हम बिना पैड को लेके आएंगे, फिर हम इस कार से ग्लू वॉल को फोड़ने का ट्राई करेंगे। तो गाइस हम फिर से आ चुके हैं ऑब्जर्वेटरी, एंड गाइस मैंने फिर से वहाँ पे ग्लू वॉल लगा दिया जहाँ पे मैं लगाते आ रहा हूँ। एंड गाइस इस बार मेरे पास अपना पैट रोबो पैट नहीं है, इस बार मेरे पास पांडा है। ठीक है गाइस, तो गाइस मैं अब अपना फायरिंग स्टार्ट करता हूँ एंड मैगजीन करना स्टार्ट करते हैं कि कितना देरी में हमारा ग्लू वॉल फट जाता है। तो गाइस वहाँ पे तो हमारा 27 लगा था एमओ, एंड गाइस यहाँ पे देखते हैं कितना एमओ लगता है। मैगजीन 14, 13 हो गए गाइस, 12 हो गए, 11, 10, ठीक है, 9, 7, 6। तो गाइज मतलब कि 6, मतलब 30 में से अगर हम 6 लेस कर दे तो गाइस 24 एमओ में गाइस हमारा ग्लू वॉल फट चुका है जब हमने क्या गाइस हमने जब पैट नहीं लिया। ठीक है गाइस, तो मतलब बहुत अच्छा यहाँ पे हो जाता है गाइस, वहाँ पे 27 था, यहाँ पे हमारा 24 हो जाता है। तो गाइस जब हम बढ़ते कंक्लूजन की तरफ, तो गाइस कंक्लूजन में बढ़ने से पहले मैं आपको इस कार का लॉन्ग रेंज में भी दिखा देता हूँ कि लॉन्ग रेंज में कितना गोली में हमारा ग्लू वॉल फटता है जब हम पैड को लेते हैं और जब हम पैड को नहीं लेते। ठीक है गाइस, तो गाइस हम फिर से वहीं पे ऑब्जर्वेटरी आ चुके हैं जहाँ पे हम बार बार आ रहे हैं। एंड गाइस मैं ऑब्जर्वेटरी आके थक चुका हूँ, मतलब गाइस जब मैं वीडियो बना रहा था ना गाइस, मतलब जितना मैंने ऑब्जर्वेटरी लाइफ में नहीं देखा उतना मैंने वीडियो बनाते हुए देख लिया गाइस। 2 दिन लग गया मतलब ऑब्जर्वेटरी में, कभी गाइस हमें इस कार मिलता तो कभी 2x नहीं मिलता, तो कभी 2x मिलता तो कभी MP40 नहीं मिलता, मतलब गाइस बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। तो गाइस यहाँ पे हम करेंगे इस कार के साथ टेस्ट, तो गाइस इस कार तो हम ऐसे टेस्ट करेंगे, इस कार लेंगे और सिर्फ उस पर 2x लगाएंगे फिर हम ग्लू वॉल फोड़ेंगे। ठीक है गाइस, तो गाइस यहाँ पे मैंने ग्लू वॉल फोड़ना स्टार्ट किया, तो देखते हैं कितना देरी में हमारा ग्लू वॉल फटता है। चलो चलो हमारा ग्लू वॉल फूट रहा है। तो गाइस ये वीडियो बताने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हुई गाइस, पर्सनली बता रहा हूँ गाइस। तो गाइस अगर आपको हमारे वीडियो गाइस पसंद आए तो गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर देना। तो गाइस यहाँ पे देखो गाइस हमारा कितना एमओ लगा ग्लू वॉल फूटने के लिए, तो गाइस हमें लगा 30 एमओ जब हमने लॉन्ग रेंज में इस कार को लेकर हमने ग्लू वॉल फोड़ने का ट्राई करा, और गाइस इस कार में लगा था हमारा 2x। ठीक है गाइस, तो गाइस जब हम बढ़ते दूसरा जो एक्सपेरिमेंट करेंगे इस कार को लेकर उस पर 2x लगाएंगे, फिर हम लेकर आएंगे अपना पांडा। ठीक है, तो चलो गाइस हम बढ़ते हैं। तो गाइस हम आ चुके हैं दोबारा से अपना ऑब्जर्वेटरी, एंड गाइस इस बार लेकर आया हूं मैं अपना पांडा। एंड गाइस मैंने अपना सब कुछ अटैचमेंट फेंक दिया है, फिर से गाइस मैं यहाँ पर अपना ग्लू वॉल लगाऊंगा जैसे लगाते आ रहा हूँ बार बार। तो गाइस यहाँ पर मैंने फिर से ग्लू वॉल लगा दिया, फिर मैं भागूंगा गाइस अपना जहाँ पर मैं भागता रहा हूँ बार बार ऊपर, तो गाइस वहाँ पे मैं भागूंगा, उसके बाद मैं गाइस ग्लू वॉल फोड़ने का ट्राई करूँगा, फिर मैं आपको बताऊँगा कि कितने गोली में हमारा ग्लू वॉल फटा है। तो गाइस मैं आ चुका हूँ अपना टॉप पे, एंड गाइस फिर मैं ग्लू वॉल फोड़ता हूँ, देखता हूँ कितना गोली में ग्लू वॉल फटता है। तो गाइस यहाँ पे हमारा फायरिंग स्टार्ट होता हुआ और हमारा मैगजीन कम हो रहा है धीरे धीरे, 22, 21 करके हो चुका है गाइस, अब हम 19, 17। तो गाइस बताओ आप कितने देर में फटेगा ग्लू वॉल, क्योंकि गाइस अभी हमारे पास पांडा नहीं है तो जल्दी फटना चाहिए, क्योंकि उस बार 30 फटा था। तो गाइस इस बार हमारा फट चुका है 25 में,
ओनली 25 गोली लगा हमारे ग्लूबॉल फोड़ने के लिए। तो चलो गाइस जब हम बढ़ते कंक्लूजन के, तो चलो गाइस जब हम बढ़ते वीडियो के शॉकिंग कंक्लूजन की तरफ, जिसमें गाइस हम बात करेंगे कि इस पैड को आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या आपके गेम प्ले में इंप्रूवमेंट लाता है या नहीं लाता है। तो गाइस मैं आपको साफ साफ वर्ड में कहना चाहता हूँ, गाइस आप इस पैड को ना लो, इस पैड से बढ़िया गाइस आप कुत्ता घोड़ा बिल्ली का जो भी पैड होता है गाइस वो लेकर खेलो, बट गाइस इस पैड को मत लो। गाइस ये पैड इतना ज़्यादा बेकार है ना गाइस, मैं आपको क्या बताऊँ। पर्सनली गाइस ये 80 डायमंड का टॉप अप है, या फिर जो गाइस अभी आया था ना रोवो पैड स्ट्राइक, उससे गाइस जिसने लिया ना गाइस वो क्या बोलूँ, सबसे बड़ा पागल होगा गाइस। क्योंकि मेरा पैड अभी मैक्स लेवल का, ठीक है गाइस, मैक्स लेवल का पैड है। एंड गाइस इसका स्किल देखो तो आप हैरान रह जाओगे। इसका स्किल क्या है गाइस, अगर आप इस पैड को लेने के बाद आप ग्लोबल फोड़ते हो MP40 से, तो गाइस आपका लगता है 31 एमो, ठीक है 31 एमो लगता है अगर आप इस पैड को लेके ग्लोबल फोड़ते हो। एंड गाइस अगर आप इस पैड को नहीं लेते तो आपको ग्लोबल कितनी जल्दी फट जाता है, 27 एमो, ठीक है गाइस। तो मतलब गाइस आप खुद ही सपोज करो कि मतलब कितना बेकार पैट है गाइस, मतलब 4 एमओ का डिफरेंस, सिर्फ 4 एमओ का डिफरेंस जब आप इसे मैक्स लेवल तक करते हो। तो गाइस मैक्स लेवल पे करना भी बेकार है गाइस, इससे बढ़िया गाइस आप जो होता है ना कैट वगैरह उसे लेके खेलो गाइस। पर इस पर गाइस अपना टॉप अप मत करो गाइस, इससे बढ़िया जिसके पास पांडा है गाइस पांडा लेके खेलो। सबसे बढ़िया पैट गाइस मैंने अपना बना रखा है वो है गाइस अपना पैंथर गाइस। पैंथर सबसे ज़्यादा बेस्ट पैट माना जाता है। एंड गाइस मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया, क्यों बनाया गाइस वो अभी आपको पता चल जाएगा, पांडा वर्सेस पैंथर में देख लो गाइस जाके, ठीक है गाइस। तो गाइस जिसके पास पांडा पैंथर नहीं है तो कुत्ता बिल्ली ले लो, पर गाइस इस पैट के पीछे अपना टॉप अप मत कराना साफ साफ वर्ड में। तो गाइस मैं भी आपको बता देता हूँ कि गाइस इस पैट का स्किल कब तक वर्क करता है, मतलब रोबो पैट का स्किल कब तक वर्क करता है। तो गाइस रोबो पैट का स्किल तब तक वर्क करता है जब तक गाइस ग्लूबॉल के सामने गाइस वो वाइट वाइट कलर की झिल्ली होती है। एंड गाइस जब वो झिल्ली हट जाती है तो गाइस वो ग्लूबॉल नॉर्मल ग्लूबॉल बन जाता है, तब आप उसे आराम से फोड़ सकते हो। एंड गाइस आप ये सुन के हैरान रह जाओगे कि वो ग्लूबॉल का जो झिल्ली होता है गाइस फोड़ने में कितना देर लगता है। तो गाइस उस ग्लूबॉल के झिल्ली को गाइस फोड़ने के लिए MP40 का सिर्फ 4 गोली लगता है, जब गाइस आपका पैट मैक्सिमम लेवल तक होता है तब। तो गाइस ये बहुत हैरानी वाली बात है कि गाइस जब आपका पैट मैक्स लेवल तक है, रोबो पैट मैक्स लेवल पे, एंड गाइस आपने ग्लूबॉल लगाया उसके सामने का झिल्ली भी बना रहा है, बट गाइस वो ग्लूबॉल का झिल्ली फोड़ने में गाइस सिर्फ गाइस आपको MP40 का 4 गोली लगता है। तो गाइस आप खुद ही सोचो कितना इंप्रूवमेंट लगा गाइस, ये 4 गोली कितना इंप्रूवमेंट लगा आपके गेम प्ले में। तो गाइस एकदम बेकार पैट है गाइस, मतलब अगर गाइस 5-6 गोली और मतलब कम से कम 8-9 गोली गाइस और एक्स्ट्रा लगता तो गाइस मैं बोलता कि हाँ अच्छा है। गाइस मैक्स लेवल की बात करो, मैक्स लेवल में गाइस आपको 4 गोली लगता है सिर्फ एक्स्ट्रा, ठीक है। तो गाइस एकदम बेकार पैट बना दिया गरीना वालों ने। तो गाइस अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड उसके बगल में बेल आइकन उसे प्रेस करो।